सवाल है इफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल टू द कर्व, कर्व फिर से मैंने वही दिया कुछ वैसे ही कि कोनिक सेक्शन वाला नहीं है, एक्स ये कोनिक सेक्शन वाला है, एक्स वाई इक्वल टू सी, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो स्पेशल काइंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला स्पेशल काइंड पढ़ाया हूं मैंने, किसमें हाइपरबोला में पढ़ाया हो गया होगा, तो एक्स वाई इक्वल टू सी वेयर सी इज पॉजिटिव देन सी पॉजिटिव है, अच्छा देन कौन सा ऑप्शन ट्रू है, पहला ऑप्शन दे रखा है ए बी पॉजिटिव बी बी पॉजिटिव, भाई भाई दोनों ए बी निगेटिव बी बी निगेटिव, बहन बहन, दूसरा तीसरा और ये आपका ए पॉजिटिव बी निगेटिव, इसका कान वो पकड़ा उसका कान ये पकड़ा, ए निगेटिव बी पॉजिटिव, ठीक है इसका कान वो पकड़ा उसका कान ये पकड़ा, बस आपका ये चीज फटाफट निकाले, कह रहा है कि ये वाला इसका नॉर्मल है किसी पॉइंट पे होगा, क्या पता कौन से पॉइंट पे होगा, लेकिन ए एक्स प्लस बी वाई देखो आप पहले पहले आप खुद बना लो फिर देखो कौन सा ऑप्शन सही है फिर हमारे से मिला लो, पहले बताओ स्लोप ऑफ लाइन क्या है, इसका इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप है आपका कितना है भाई, ये है माइनस ए बाई बी, सेकेंड चीज आपका यहाँ पे अच्छा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ कर्व क्या हो जाएगा, एन का मतलब नॉर्मल बच्चों जान रहे हो ना, क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, मतलब हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, एक्स वाई प्लस सी का डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहला एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस प्लस वाई इंटू एक्स की जगह पे वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट जीरो हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितना, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितना, तो माइनस वाई बाई एक्स, और जरा बोलो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हम जान रहे हैं माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, यानी माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे माइनस वाई बाई एक्स, एक्स ऊपर उड़ के चला गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स बाई वाई हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, अच्छा ये वाई की वैल्यू कुछ अपन लोग कर सकते हैं क्या वाई के साथ, क्योंकि एक्स वाई इक्वल टू सी दे रखा है और सी के बारे में बोला है कि पॉजिटिव है, तो हम कुछ कर सकते हैं वाई को सी बाई एक्स लिख सकते हैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आज के दिन में भी है एक्स अपॉन वाई की जगह पे सी बाई एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर बाई सी, और सवाल में कहा है एक जगह कि ये वाली लाइन का जो ये लाइन है वो इस पे नॉर्मल है, मतलब इसके नॉर्मल का स्लोप और इसका स्लोप बराबर हो जाएगा, इसके नॉर्मल का स्लोप और इसका स्लोप, नॉर्मल का स्लोप और इसका स्लोप बराबर हो जाएगा, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, और ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई सी इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, क्या माइनस ए बाई बी, अच्छा जरा देखते हैं माइनस ए बाई बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई माइनस हमने डाल दिया एक्स स्क्वायर बाई सी, इसके बारे में क्या ख्याल है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, सी सवाल में पॉजिटिव दे रखा है तो ए बाई बी क्या हो गया ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल निगेटिव आ गया क्या, और दो नंबर का डिविजन निगेटिव का मतलब ए और बी कैसे रहे होंगे, अरे वाह क्या बात है, देन ए एंड बी कैसे रहे होंगे अपोजिट साइन के, कैसे रहे होंगे अपोजिट साइन के, ऐसा हमको लग रहा है कि हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, ऐसा क्वाड्रेटिक में ही ऐसी चीज होती थी कि समथिंग बी बाई ए बाई ए बी बाई ए सी बाई ए, तो ए बाई बी अपोजिट साइन के, वहां भी ये वर्ड आता था अपोजिट साइन, अपोजिट साइन का मतलब ए पॉजिटिव बी निगेटिव या ए निगेटिव बी पॉजिटिव, यानी थर्ड और फोर्थ मोर देन वन चॉइस इज करेक्ट, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, अगले पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने फटाफट नोट किया लो आईआईटी 2019, ठीक है ना उसी का मैं सवाल नोट कर रहा हूं, क्या है इफ एस इज द सेट ऑफ, सवाल थोड़ा लंबा है लिखने में टाइम लग सकता है, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच टेंजेंट टू द कर्व कर्व दे रखा है y इक्वल टू, बिल्कुल ऐसी सवाल में लिखा है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एट एक्स कामा वाई, एट एक्स कामा वाई, जान बुझ के इस बार सवाल में y इक्वल टू एफ एक्स लिखा है ताकि आप y समझे या एफ एक्स में कंफ्यूज हो, नहीं होना चाहते तो मत हो लेकिन कंफ्यूजन अगर थोड़ा सा भी हुई तो आप फंस जाए यही कहीं लेके, तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एट एक्स कामा वाई इज पैरेलल टू लाइन
segment joining points 1, f of 1 and माइनस वन का मा एफ ऑफ माइनस वन. ठीक है, इनको ज्वाइन करने वाले पॉइंट का के पैरेलल हो, देन एस इज इक्वल टू, देन एस इज पहला ऑप्शन है. देखो ज्यादा नहीं, 1/3, 1. दूसरा ऑप्शन है, इसी में वही इसका कान उसको, उसका कान इसको, इसका ये भाई बहन सब निपटा लिया इसी में. ये -1/3, 1 और ये आपका चौथा ऑप्शन है 1/3, -1. ये चार ऑप्शन दे रखा है. कौन सा होगा, मतलब इनमें से चार कोई ऑप्शन होगा. सोल्यूशन में बात करते हैं, बहुत आसान सा सोल्यूशन है, कोई कठिन नहीं है. सबसे पहले कहीं जरूरत है एफ ऑफ वन की, देखो कहीं जरूरत है एफ ऑफ वन की, क्योंकि हमें पॉइंट चाहिए, क्योंकि हमें स्लोप ऑफ लाइन चाहिए, तभी तो हम बोल सकते हैं कि इसके पैरेलल है. तो आपने कहा अपने पास एफ ऑफ वन, अगर हमको एफ ऑफ वन निकालना है तो पहले आपको एफ ऑफ वन के लिए उसमें पुट कर दो. क्या 1, -1, -2 आंसर हो गया 0. ओ सॉरी, 1 से 1 कट गया, आंसर हो गया -2. एफ ऑफ -1 निकालो, एफ ऑफ -1, -1, -1, +2. ये -1 कट पिट के साथ, ये तो 0 हुआ, पक्का 0 हुआ. देख लो मेरे से कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, इसलिए मैं दोबारा एक बार चेक कर रहा हूँ. एफ ऑफ वन तो 1 का क्यूब -1, -2. ठीक है, माइनस फिर 1 से 1 कट गया, -2 आ गया, -1 तो -1, फिर आपका -1, फिर +2, 0 हो गया. तो क्या पॉइंट क्या हो गए, पॉइंट्स क्या हो गए, एक हो गया 0.1, f(1) की जगह पे -2 और एक -1, 0. इनका स्लोप बताओ, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा सर, y2 - y1 / x2 - x1. सर जी 2 / -2, सर जी -1. क्या हो गया स्लोप -1. तो अब इसके बाद इतना तो हो गया, अब ये कर्व का भी तो स्लोप निकालना पड़ेगा. किसका स्लोप निकालना पड़ेगा, कर्व का भी तो स्लोप निकालना पड़ेगा. कर्व क्या है अपने पास, y इज इक्वल टू कितना है, x³ - x²-2x. dy/dx = 3x² - 2x - 2. ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर, dy/dx स्लोप के बराबर यानी -1 के बराबर. तो 3x² - 2x - +1 = 0. और इसका ये देखो 1 इधर आया तो -1 = 0. यहां से इसके फैक्टर 3x² - 3x + 1 - x + x - 1 = 0. 3x कॉमन कर लिया तो x - 1 बच गया, +1 कॉमन कर लिया तो x - 1 बच गया. 3x + 1 एक जगह, x - 1 एक जगह, x की वैल्यू आ गई -1/3 और x की वैल्यू आ गई 1. s क्या था, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x था, और सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x एक -1/3, 1. कौन सा ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन, -1/3 and 1. बात समझ में आ रही है. तो हमारे पास ये सवाल 2019 का कुछ भी सवालों में दम नहीं है, दम नहीं है, सवाल बिल्कुल आसान आते हैं. बस वही है कि ध्यान रखना है क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान आसान सवाल आते हैं. अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा एरिया निकालेंगे. एरिया मतलब से किसी क्वाड्रिलेटरल का, किसी ट्रायंगल का, किसी नॉर्मल का, किसी नॉर्मल का इंटरसेप्ट कांस्टेंट होगा, ऐसे कुछ सवाल करते हैं एक दो. फिर कुछ टेंजेंट का, डिफाइंड मतलब डिफाइंड फंक्शन का टेंजेंट कैसे निकालना, वो भी बात करेंगे. और फिर आज का फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा इसके बाद. अब नेक्स्ट बात करते हैं. तो अगला सवाल करेंगे अपन लोग कुछ थोड़ा सा सवाल का लेवल बढ़ाते हैं. बहुत इजी सवाल कर लिए, जेई मेंस में भी, जेई एडवांस में भी सवाल आ रहे हैं. एडवांस में तो और आसान सवाल आया 2014 या 2017 में, शायद बहुत ही आसान सवाल आया है. इस टेंजेंट नॉर्मल पे करा भी नहीं रहा, इतना आसान ही कराने का मतलब नहीं है. अगर एक कर्व दे रखा है और कर्व दे के बोला है कि इसका स्लोप किसी के बराबर है, बोल रहा है फिर पॉइंट निकाल दो. भाई कोई कौन सी बड़ी बात, ये कौन सी बात है, मजाक कर रहे हो यार IIT एडवांस में सवाल दे के. पर चलो अपन लोग सवाल करते हैं, थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाते हैं सवाल का. सवाल है एफ, मान लो सवाल लिखा है कि एफ, जैसे मान लो कि मैं सवाल निकालना चाहता, थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा रहे हैं. तो जैसे सवाल लिखा हुआ है कि एफ फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसे मैं सवाल देने जा रहा हूं कि फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाई
टेंजेंट नॉर्मल एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ कर्व, कुछ कर्व दे रखा है आपका वाई इक्वल टू टू साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो गया एक्स इक्वल टू पाई बाई टू नहीं पाई बाई थ्री। थोड़ा सा सवाल इस जानबूझ के ये लिखा गया, इसके पीछे भी एक लॉजिक होगा, वजह होगा, तो आपका ये सामने सवाल आ गया। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, टेंजेंट पे जो नॉर्मल हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। तो ये कह रहे सबसे पहले तो जरा बताओ कि कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जरा इसका अगर हम ग्राफ बनाए, ग्राफ थोड़ा उधर बनाते हैं, ग्राफ इधर बनाते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसका फिगर बनाने की कोशिश करूंगा इस बार तो थोड़ा छोटा ही बनाते हैं। ये आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये कुछ वाई एक्सिस है, तो ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच की जरूरत है, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने बना लिया। सेकेंड चीज क्या बोल रहा है अपने से भाई कि ये x इक्वल टू पाई बाई थ्री दे रखा है, तो पहले सबसे पहले पॉइंट निकाल लिया जाए x का मा y, और इसका मतलब है x की वैल्यू दे रखा है पाई बाई थ्री, तो y की वैल्यू निकालने की जरूरत है, तो y निकाल लिया जाए। टू साइन पाई बाई थ्री प्लस साइन टू पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री, टू साइन पाई बाई थ्री मतलब टू इंटू रूट थ्री बाई टू, साइन सिक्सटी डिग्री रूट थ्री बाई टू, साइन एक सौ बीस डिग्री, साइन एक सौ बीस मतलब साइन एक सौ अस्सी माइनस साठ, और साइन साठ का मतलब हो गया आपका रूट थ्री बाई टू मतलब थ्री रूट थ्री बाई टू, थ्री रूट थ्री बाई टू है आंसर आ गया थ्री रूट थ्री बाई टू, ये पॉइंट आ गया। अब अपने को डी वाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला जाए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, तो तभी तो हम निकाल पाएंगे, तभी तो इक्वेशन खींच पाएंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला जाए, डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे पाई बाई थ्री का थ्री पाई बाई टू पे निकाला जाएगा, तो टू कॉस कितना एक्स प्लस टू इंटू कॉस टू एक्स, बस ठीक है। क्या पुट कर दिया जाए, अब डी वाई बाई डी एक्स पुट कर दिया जाए, x के जगह पे कितना पाई बाई थ्री, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, हो जाएगा टू कॉस पाई बाई थ्री प्लस टू कॉस टू पाई बाई थ्री, टू कॉस पाई बाई थ्री का मतलब टू इंटू वन बाई टू प्लस टू इंटू, और कॉस पाई बाई थ्री मतलब कॉस वन बाई ट्वेंटी, कॉस वन ट्वेंटी, कॉस वन ट्वेंटी का मतलब कॉस वन एटी माइनस सिक्सटी मतलब माइनस कॉस सिक्सटी, तो माइनस वन बाई टू, उत्तरी जीरो हो गया, मतलब स्लोप जीरो हो गया। क्या हो गया भाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो हो गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जरा बताओ, यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस वाई वन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू इन टू एक्स माइनस एक्स वन, बहुत मेहनत नहीं करना है, y माइनस वाई वन मतलब थ्री रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू जीरो एक्स माइनस पाई बाई थ्री, ये आपका आ गया, देयर फोर वाई इज इक्वल टू थ्री रूट थ्री बाई टू, क्या बात है यहाँ कोई। अच्छा तो मैंने जैसे मान लो कि कोई ऐसा कोई ग्राफ है, ऐसा यू यू ये यू कुछ ग्राफ है, ऐसा कुछ ग्राफ है यू यू, ये वाला कुछ पॉइंट है पाई बाई थ्री कामा थ्री रूट थ्री बाई टू, ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पे टेंजेंट आपका टेंजेंट खींचा गया, टेंजेंट आपका है वाई इक्वल टू थ्री रूट थ्री, देखो ये वाई इक्वल टू थ्री रूट थ्री, ये वाई इज इक्वल टू थ्री रूट थ्री बाई टू। अब जरा सा इसका नॉर्मल, क्या नॉर्मल पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगा, मतलब एक्स पे परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या, और इसका इक्वेशन डायरेक्ट मैं लिख लूं क्या पाई बाई थ्री, अरे भाई यहां से पास हो रहा है इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल डायरेक्ट लिख लूं क्या, ये तो कोऑर्डिनेट में पड़े हुए हैं, और ये क्या बन गया एक रेक्टेंगल बन गया, देखो तो क्या बन गया रेक्टेंगल बन गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया, और डायरेक्ट अपना क्वाड्रिलेटरल के बजाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो पूछ रखा है इसके जगह पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हाइट इनटू डिस्टेंस यानी मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ आपका ये पाई बाई थ्री है, ये थ्री रूट थ्री बाई टू है, आंसर हो गया पाई बाई थ्री इंटू थ्री रूट थ्री बाई टू, और ये इससे कट गया मतलब पाई बाई टू इंटू रूट थ्री, ये आपका आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आ गई बच्चों, बोलो बात समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ भी सवाल में कठिनाई नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट मैं लिख देता हूं अगला क्वेश्चन। सवाल यह है कि सो दैट पोर्शन ऑफ नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन
intercepted between coordinate axis of the curve x is equal to लिखा हुआ है 2a sin t plus मान लो लिखा है a sin t into cos square t, मतलब लिखने वाले ने बस ऐसा लिख दिया है एंड आपका एंड y इज इक्वल टू लिखा हुआ है माइनस a cos क्यूब t इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट लेंथ, यानी हमेशा ये कांस्टेंट लेंथ का होगा। क्या कहना चाहता है भाई कि देखो ये कोई x और y को इलिमिनेट करेंगे तो कोई एक कर्व मिलेगी। मान लिया ये कोई कर्व है एक, ठीक है ना, तो ये कोई एक कर्व है, देखो तो ये अपने पास कोई एक कर्व है, तो देखो ऐसे कुछ ये कर्व आपने कुछ ऐसे कुछ भेजा है, कर्व है ये, ठीक है, ये कर्व है आपका, यही अपने पास कर्व है। इस कर्व पे ऊपर ये यहाँ पे टेंजेंट है तो ये नॉर्मल है, ये देखो ये नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है इसका ये वाली और यहां से बीच की जो ये वाली लंबाई है, सवाल में कह रहा है कि ये कॉन्स्टेंट लंबाई है, यही क्या है कांस्टेंट लंबाई है, इसी को बोला है कांस्टेंट लंबाई है। तो हमें नॉर्मल की बात किया है तो पहले हम क्या निकालेंगे भाई, क्या निकालेंगे अपन लोग, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट, फिर इक्वेशन ऑफ, देखो अगर देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन इन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाता है, वो मैं आपको यहीं पर लिख देता हूं। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाता है भाई, पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाता है अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहले टेंजेंट लिखता हूं बाद में नॉर्मल लिखता हूं, पहले टेंजेंट की बात करूं तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई वन इक्वल टू, यानी जो भी अगर मान लो पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई अपने पास पॉइंट है कि एक्स और टी में, मतलब जो भी है आपका जो, इसे मान लो मैंने कहा कि वाई जो है कि आपका एफ ऑफ टी है, वाई कोई एफ ऑफ टी है, एक्स कोई आपका, एक्स कोई एफ ऑफ टी है और वाई कोई आपका जी ऑफ टी है, थोड़ा सा मतलब ऐसा मत देखना कि ये लिखा हुआ है x इक्वल टू एफ ऑफ टी है, वाई कोई जी ऑफ टी है, तो वाई माइनस एफ ऑफ टी, यहाँ पे स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी डी वाई बाई डी एक्स और x माइनस जी ऑफ टी, यहाँ पे ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, वाई माइनस अगेन एफ, वाई वन क्या है जी ऑफ टी, एस सही लिखा है, अरे यार बहुत बड़ी गलती है, वाई आपका जी ऑफ टी है, एक्स आपका एफ ऑफ टी है, बहुत भारी गलती हो गई, बहुत भारी गलती हो गई, देखो ध्यान देना वाई माइनस जी ऑफ टी, क्योंकि वाई माइनस वाई वन और एक्स माइनस एक्स वन, यहां पे भी वाई माइनस वाई वन का मतलब जी ऑफ टी इंटू डी वाई बाई नहीं माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एफ ऑफ टी, मतलब क्या क्या कहना क्या चाहते हो सर, आप कहना चाहते हो सिर्फ इतना कि आपको जो जैसा रहेगा उसी को बिल्कुल पॉइंट की तरह मान के सॉल्व कर लो, अलग से कुछ एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आता हूं उस सवाल का जो भी है उस सवाल के सॉल्यूशन पे मैं यहाँ पे बात करने चल रहा हूँ, थोड़ा सा इस पोर्शन को मैंने हटा दिया, अब जरा देखो अब मैं जरा सा बात करने चल रहा हूँ उसी सवाल के, अब जरा सा इसका हम पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई और एक्स दोनों फंक्शन ऑफ टी है तो डी एक्स बाई डी टी, करेक्ट, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा भाई, देखो वो माइनस में है, डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा, यहां पर देखो ये माइनस ए, माइनस ए आपका ये माइनस, तो इसको जरा सा एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते ही ये हो जाएगा माइनस ए आपका माइनस ए, माइनस ए इंटू थ्री इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू और माइनस साइन टी, माइनस साइन टी अपॉन, जरा इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये हो जाएगा टू ए कॉस टी, फिर वहां पे ओ थ्री, इतना लंबा काम तो मुझे थोड़ा नीचे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यहां से हटाता हूं, नीचे से लिखता हूं इसका सब शुरुआत करता हूं, नीचे से मैं इसका शुरुआत करता हूं यहां से, क्योंकि लंबा जरूरत पड़ेगी अपने को, डी वाई बाई डी टी है माइनस ए थ्री इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू माइनस साइन टी अपॉन, ठीक है, यहां पे क्या आ गया,
टू ए कॉस टी, फिर प्लस ए आपका साइन, तो साइन तो ऐसे ही रहने दिया मैं, फिर उसको डिफ्रेंशिएट किया तो टू कॉस टी इंटू माइनस साइन टी, कोई बात नहीं चलेगा, सब चलेगा यहाँ पे आज के दिन में, इंटू प्लस ए, तो ए तो दोनों में मल्टीप्लाई है तो दोनों में आएगा, ए साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस टी, और पहले से आपका है कॉस स्क्वायर टी, बहुत लंबा काम हो गया। एक सबसे पहले तो एक सबसे पहले तो ए को काट देते हैं, क्यों ए को रखे यहां, बवाल क्यों फादे, ए तो सबसे पहले कट गया, ऊपर में है माइनस थ्री, थोड़ा सा सॉल्व करने का मेरी इच्छा है, माइनस माइनस से भी प्लस हो गया, ये हो गया साइन टी, नीचे के जरा सा सॉल्व करते हैं, ये टू कॉस टी और क्या है भाई, ये है आपका 2 cos t, ठीक है, ये क्या है भाई माइनस है, यहां पे भी 2 cos t है, ठीक है, और यहां पे साइन स्क्वायर t है, फिर यहां पे cos क्यूब t है, एक cos तो पूरे में से कट गया, एक cos तो कटा, कटने के बाद ऊपर बचा 3 sin t, यहां पे बच गया 2 माइनस, 2 कॉमन कर लेता हूं मैं, 2 कॉमन कर लेता हूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर टी, क्या हो गया 3 साइन टी अपॉन 3 साइन टी, 3 साइन टी क्यों, एक और बच गया ना कॉस टी भी, तो बच गया 3 साइन टी इंटू कॉस टी, और क्या बच गया यहाँ पे, ये देखो जरा सा कॉस स्क्वायर टी, 2 कॉस स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, अब तो बोलो यहाँ पे भी कॉस टी भी है ऊपर में, तो ये हो गया 3 से 3 यानी 3 साइन टी इंटू कॉस टी अपॉन 3 कॉस स्क्वायर टी, एक 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 क्या आया आंसर, साइन टी बाई कॉस टी, मतलब ये कुछ टेन टी के बराबर आया, बाद में अपन यूज कर लेंगे कॉस टी, यही आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, याद रखो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया कॉस साइन टी अपॉन कॉस टी, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बच्चों फटाफट, माइनस कॉस टी अपॉन साइन टी, अच्छा फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अच्छा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वाई माइनस, याद करो वाई वन कितना है, वाई वन था आपका माइनस ए कॉस क्यूब टी, आप थोड़ा सा वीडियो बैक करके देख सकते हो, आपका यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस, बहुत लंबी चौड़ी इक्वेशन क्या है, टू ए साइन टी माइनस, और भी कुछ था, और भी कुछ था, ए साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी, देखो इधर तक चला गया, अच्छा फिर क्या लिखूंगा मैं, वाई प्लस, ये फाइनली आया इक्वेशन वाई प्लस ए कॉस क्यूब टी, अच्छा इसमें से भी कुछ कटते हुए दिख रहा है भाई, देखो अरे दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, जैसे ही मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बहुत कुछ कट गया है, तो फिर ये x माइनस टू ए साइन टी माइनस ए साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस स्क्वायर टी, देखो यहां पे है, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहां पे, तो इधर हो जाएगा, इधर से लिख रहा हूं मैं, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे y, ये मल्टीप्लाई हुआ बन गया आपका साइन t, फिर यहां मल्टीप्लाई हुआ बन गया a cos क्यूब t, ठीक है यहां पे आपके साथ बन गया a cos क्यूब t इंटू साइन t, ठीक है ना, ये अंदर जाके ये मल्टीप्लाई हुआ माइनस x cos t माइनस टू ए साइन t इंटू cos t, ठीक है, और देखो माइनस माइनस प्लस प्लस ए, देखो साइन तो साइन ही रहेगा इंटू कॉस क्यूब टी, और देखो ये पूरा इसको काट दिया, ठीक है पूरा इसको काट दिया, अब आपके लिए छोटा सा बन गया वाई साइन टी प्लस इसको उधर लेके गया एक्स कॉस टी इज इक्वल टू क्या बचा यहां पे a साइन टू टी, ध्यान से देखो a साइन टू टी यही बचा है, a साइन टू टी यही बचा हुआ है, बात समझ में आई बच्चों, इतना बचा हुआ है, अब जरा सा बस आखिरी पोर्शन रह गया है, फिगर बनाना, फिगर बना के इसको सॉल्व कर देना, देखो मैं इसको पूरा हटाया, आपने नोट कर लिया है इसलिए मैं हटाने की हिम्मत रख पाया, क्योंकि आपने मेरे साथ साथ नोट कर लिया था समझते समझते, और इसलिए मैंने इसको हटाने की हिम्मत कर पाया, यानी नोट करने का मतलब यह है कि यही नॉर्मल है, इक्वेशन क्या है इसकी y sin t x cos t इक्वल टू
टू ए साइन टी इंटू कॉस टी, फिर कहोगे सर क्या करते रहते हो, अरे यही बात लिखा हूं भाई, ऊपर वाली बात दोबारा यहां लिखा हूं, क्यों लिखा हो, ये वाला पॉइंट चाहिए था एक्स इक्वल टू जीरो वाई का कोऑर्डिनेट, ये वाला पॉइंट चाहिए तो वाई का कोऑर्डिनेट जीरो एक्स का कोऑर्डिनेट, फटाफट निकाल लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करो तो ये पूरा जीरो हो गया, वाई की वैल्यू हो गई टू साइन टी इंटू कॉस टी, साइन से साइन कट गया टू ए कॉस टी बच गया, क्या बच गया यहाँ पे 2a cos t बच गया, यहां पे y जीरो कर दिया तो ये पूरा x की वैल्यू cos t कट गया 2a sin t बच गया। अब इसकी लंबाई फार्मूला लगा लो, लेंथ इज इक्वल टू अंडर रूट में 2a cos स्क्वायर t प्लस 2a sin स्क्वायर, मतलब sin t का होल स्क्वायर cos t का होल स्क्वायर, क्या आया बच्चों अंदर में आ गया ये, तो ये हो गया आपका 4a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस 4a स्क्वायर sin स्क्वायर t, मतलब तो टाइम वेस्ट कर रहा हूं बस मैं, 4a स्क्वायर बाहर निकाला 2a बाकी अंदर में क्या बच गया cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, और दुनिया वाले इसको किस नाम से जानते हैं, तो क्या लेंथ हमेशा कांस्टेंट आ गई, क्या t पे डिपेंड ही नहीं करी, ऑलवेज कांस्टेंट हो गया, t पे डिपेंड ही नहीं करा, तो यही सवाल था, यही सवाल आपसे कह रहा था कि साइन टी और कॉस टी में रहेगा तो कैसे ऑप्शन निकालेंगे, बस इतना ही आज के लिए, बस इतना रन देते हैं, बाकी अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में यानी नेक्स्ट डे पे बात करेंगे, चलो बाय बाय, धन्यवाद।